हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टैटिस्टिक्स के इस छठे लेक्चर में और सेंट्रल टेंडेंसी के इस चौथे लेक्चर में, जिसमें हम लोग कंबाइंड मीन निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज के लिए अर्थमेटिक मीन निकालना सीख लिया है। अब बारी है कंबाइंड मीन कैसे निकालें। कंबाइंड मीन का मतलब क्या है? कंबाइंड मीन का मतलब है कि आपको अलग अलग दो या दो से ज्यादा सीरीजेस दे रखी हैं, जिनका अलग अलग मीन निकाला हुआ है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन है उनमें। अब उन सीरीज को मिक्स कर दिया, सारे ऑब्जर्वेशन को मिला दिया है, और जो फाइनल टोटल मिक्सचर आया उसका मीन कितना आया है ये अपने को बताना होता है कंबाइंड मीन में, कि मतलब दो या दो से ज्यादा सीरीज को मिक्स कर दिया, अब उनका मीन क्या आएगा। इंडिविजुअल मीन पता है सबका, अलग अलग मतलब। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि अपन निकालने क्या वाले हैं। फॉर्मूला तो अपन बाद में देखेंगे, पहले टॉपिक समझ में आ जाए अपने को कि करने क्या वाले हैं। यहां मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए आप। अब जैसे मैंने एक यहां पर छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है कि क्लास टेंथ है जिसमें सेक्शन ए है, क्लास टेंथ है जिसमें सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 60 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 40 स्टूडेंट्स हैं। इन 60 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 50 एवरेज मार्क्स निकाले गए तो 35 आए, और आउट ऑफ 50 इन 40 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकाले गए पूरे सेक्शन के इसके तो 28 आए। दोनों सेक्शंस के अलग अलग एवरेज मार्क्स हैं, 60 स्टूडेंट्स के अलग हैं, 40 स्टूडेंट्स के अलग हैं। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, पूरी क्लास का पता चले हमें स्कोर कितना चल रहा है एवरेज। तो पूरी क्लास में तो सेक्शन ए सेक्शन बी मिला करके होगा, मतलब 60 + 40 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए एवरेज, सिंगल वैल्यू। अपने पास 60 के अलग हैं, 40 के अलग हैं, तो अब एवरेज 100 के कैसे निकाला जाए इसकी हेल्प से। भाई एक तरीका तो यह है कि जो 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे उन सबको वापस से टोटल करो, फिर 40 के और जोड़ दो उसमें, और फिर 100 से डिवाइड लगाओ। तो ये तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड करके 100 से डिवाइड लगाना, जबकि हमने 60 का अलग से निकाल लिया है, 40 का अलग से निकाल लिया है। तो अगर इसकी हेल्प से मिल जाए तो बेस्ट है ना, इसकी हेल्प से माइनर सी कैलकुलेशन से अगर अपना काम हो जाए तो बेस्ट है। तो हम लोग कंबाइंड मीन में यही करते हैं। दो अलग अलग सीरीज हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती है, तीसरी, चौथी, पांचवी, कितनी भी हो सकती है, उन सभी सीरीज का कंबाइंड मीन कैसे निकालें ये हम लोग इसमें सीखते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है इसका, मैं यहां पर लिखता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन सीरीज हैं अलग अलग, ये एक सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है, और ये तीसरी सीरीज है। तीन अलग अलग सीरीज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n1 है, पहली सीरीज में एवरेज मार्क्स या एवरेज उनका x1 बार आ रहा है, दूसरी सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n2 है मान लीजिए, उसका एवरेज x2 बार आ रहा है इनका अलग से, तीसरी सीरीज में n3 ऑब्जर्वेशंस है जिनका एवरेज अलग से x3 बार आ रहा है। तो इन तीनों का कंबाइंड मीन अगर आपको निकालना है x बार, तो वो आएगा n1 x1 बार + n2 x2 बार + n3 x3 बार डिवाइडेड बाई n1 + n2। और अगर केवल दो ही सीरीज है, केवल दो ही हैं, तो x bar = n1 x1 bar + n2 x2 bar / n1 + n2। दो हैं तो दो लगा दो, तीन हैं तो तीन लगा दो, चार हैं तो चार लगा दो। सिचुएशन के हिसाब से ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला कहां से निकला है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है इसका, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट वाली सीरीज में, इसका मतलब ये वैल्यू है n1 की, ये तो n1 हो गया। एवरेज मार्क्स मतलब एवरेज इस सीरीज का x1 बार हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर सेकंड सीरीज n2 हो गया, और एवरेज मार्क्स x2 बार की वैल्यू हो गई। अब अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं यहां पर कि x बार होता है n1 x1 बार + n2 x2 बार / n1 + n2, तो उसके अकॉर्डिंगली n1 की वैल्यू हमारे पास है 60, x1 बार हमारे पास में है 35, n2 की वैल्यू है हमारे पास 40, x2 बार हमारे पास है 28 डिवाइडेड बाई 60 + 40। तो ये कितना बनेगा, 2100, ये बनता है 1120, और नीचे है 100, तो ये बनेगा टोटल 3220, और नीचे 100 है, तो आंसर आएगा फाइनली 32.2 एवरेज स्कोर हो गया पूरे 100 स्टूडेंट्स का, जिसमें 60 अलग थे, 40 अलग थे।
तो हमें कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ा और पूरे के पूरे 100 स्टूडेंट्स का कंबाइंड मीन निकल गया इकट्ठा एक ही बार में। तो निकला कैसे अब ये फॉर्मूला, थोड़ा सा इस बारे में बात करें अपन। बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस लॉजिक है इसके पीछे, बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस। मैं यहां से बता रहा हूं आपको, इस एग्जांपल से समझना थोड़ा आसान रहेगा इसका लॉजिक। अब देखिए, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज एक सेंट्रल वैल्यू है। सेंट्रल वैल्यू का मतलब जो बहुत सारी वैल्यूज को अकेली रिप्रेजेंट कर रही है। और हमने मीन में ये सीखा है कि मीन का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब अगर 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स 35 एवरेज आ रहे हैं ना, इसका ये मतलब है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब हर एक 60 स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट के मार्क्स अब 35 काउंट किए जाएंगे। ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन का ये मतलब हो गया। तो एवरेज 35 आने का मतलब यही है कि सबने ऑन एन एवरेज 35 के हिसाब से परफॉर्म किया है। हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को आप 35 से रिप्लेस करोगे। सेम ऐसे यहां पर, और अगर टोटल क्लास का एवरेज 28 आ रहा है, इन 40 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 28 है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब हर एक स्टूडेंट के मार्क्स 28 काउंट करोगे अभी आप। ये यहां पर मेन बात है। मीन का मतलब है सबको बराबर बांट दो, सबको वो वैल्यू असाइन हो गई। पुरानी जो वैल्यू थी वो सब गई, उसको टोटल करके फाइनली हमने इक्वली बांट दिया है सब में। तो सबके मार्क्स 28, इधर सबके मार्क्स 35, अपने को निकालना है ओवरऑल 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो तो ये अपनी सीरीज बन रही है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज बन रही है। डिस्क्रीट सीरीज कैसे बन रही है? यहां पर एक तो मार्क्स 35 है भाई, क्लास में एक तरीके से 100 स्टूडेंट्स हो गए, 60 और 40 को मिला दो, उसमें से 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 35 हैं और 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 28 हैं। तो मार्क्स मतलब एक्स या तो 35 है या फिर एक्स की वैल्यू 28 है, और कोई एक्स की वैल्यू है ही नहीं अपने पास में 100 स्टूडेंट्स में। 35 के लिए काउंट करें कि भी कितने लोगों की 35 है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वही होती है। तो कितने लोगों के 35 मार्क्स हैं? 60 स्टूडेंट्स के 35 मार्क्स आ रहे हैं। और कितने लोगों के 28 मार्क्स हैं? 40 स्टूडेंट्स के 28 मार्क्स आ रहे हैं। ये इन दोनों सीरीज को हमने डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब डिस्क्रीट सीरीज का तो फॉर्मूला हमें पता ही है। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग एक कॉलम और बनाते हैं जो कि होता है एफ इंटू एक्स का कॉलम। जब एफ इंटू एक्स का कॉलम बनाओगे तो 35 इंटू 60 ही करना पड़ेगा यहां पर, 35 इंटू 60 ही करना पड़ेगा यहां पर, 40 इंटू 28 ही करना पड़ेगा यहां पर, 40 इंटू 28 ही करना पड़ेगा। तो यहां पर आ गया, ये बनेगा अपना 2100 और ये हमारा बन रहा है 1120 और टोटल हमारा इसका बन जाएगा 3220 और एफ का टोटल हमारा आ रहा है 100। तो अगर आप नोटिस करो तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाला ही फॉर्मूला लग गया है और यहां पर बन गया है। ये फॉर्मूला डेराइव किया हुआ है इसी तरीके से। कैसे डेराइव किया हुआ है? जैसे मान लीजिए एक्स वन में आप तो इस फॉर्मूले से चलो, ये पहली सीरीज है, पहली सीरीज में मार्क्स आपके एक्स वन बार है। मान लो आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो ये बनाओ, एक्स वन बार है। दूसरी सीरीज के मार्क्स आपके टोटल एक्स टू बार है, तो 28 नहीं है, एक्स टू बार है। पहले वाली सीरीज में एन वन ऑब्जर्वेशन है, 60 नहीं है एन वन है, और 40 नहीं है एन टू ऑब्जर्वेशन है। जब एफ इंटू एक्स करोगे, मैं यही करता हूं डायरेक्ट, सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो एन वन एक्स वन बार पहला वाला ले लिया, सिग्मा है मतलब प्लस लगा रहा हूं, यहां जगह नहीं है तो मैं नीचे ही लिख रहा हूं। दूसरे वाले में एन टू एक्स टू बार कर दिया, नीचे सिग्मा एफ मतलब इसका टोटल कितना आएगा, एन वन प्लस एन टू, तो ये एन वन प्लस एन टू हो गया। और आप देखेंगे कि सेम फॉर्मूला है, एक्चुअली फॉर्मूला डेराइव ही ऐसे हुआ, ये डिस्क्रीट सीरीज मानते हुए इसको डेराइव किया गया है फॉर्मूले को। दो से ज्यादा भी सीरीज आ जाएंगी तो तीसरी यहां एक्स थ्री और एन थ्री हो जाएगा, तो एन थ्री इंटू एक्स थ्री बन जाएगा इसकी तरह, और तो कुछ होगा ही नहीं एक्स्ट्रा। तो आप डिस्क्रीट सीरीज की हेल्प से इसको समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरीके से डराया हुआ है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में अपना काम आसान बनने के काम आता है। कंबाइंड सीरीज बहुत सारी कैलकुलेशंस को कम कर देता है। ये मैं दो एग्जांपल्स और ले रहा हूं, इसमें ध्यान से देखिए, आप इसको मिटा रहा हूं। देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसने कहा कि द मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 110 kg एंड द मीन वेट ऑफ 5 ऑफ देम इज
100 केजी, अनदर 5 स्टूडेंट्स 125 केजी, देन द मेन वेट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 15, उसमें से 5 स्टूडेंट्स अलग किए, 5 स्टूडेंट्स अलग किए और अनदर रिमेनिंग स्टूडेंट्स अगेन 5 ही बचे, तो 15 का कंबाइंड 110 केजी दे रखा है वेट, उसमें से 5 का अलग से 100 निकाला हुआ है, 5 स्टूडेंट्स का अलग से 125 निकाला हुआ है और बाकी रिमेनिंग जो 5 बचे उसका निकालना बाकी है, उसी का पूछा है। तो आप अगर इस सीरीज को उस तरह से जमा लें जैसे अपन ने पढ़ा था, देखिए आप किस तरह से जमाते हैं अपन इसको, आप इसको लिखिए कि ये पहले वाली है, ये दूसरे 5 स्टूडेंट्स हैं, ये तीसरे 5 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पर एन वन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है, यहां भी एन वन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है, यहां भी एन थ्री नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है। पहले वाले में मतलब पहले 5 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट आ रहा है 100 केजी, यहां पर एवरेज वेट आया 100 केजी, दूसरे 5 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट आया 125 केजी, एक्स टू बार हमारे पास आया 125 केजी, और द मीन वेट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स मतलब रिमेनिंग 5 स्टूडेंट्स जिनका मीन हमें निकालना है, तो यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं। अब बात यह है कि दिया क्या है उसके एवज में, उसके एवज में जो 15 स्टूडेंट्स टोटल हो रहे हैं उनका 110 केजी मतलब ये एक्चुअल में हमें कंबाइंड दे दिया, ये एक्चुअल में हमें कंबाइंड दिया हुआ है, इस बार उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, पहले पिछले वाले क्वेश्चन में तो कंबाइंड निकाला था हमने, इस बार कंबाइंड दे दिया और किसी एक का इंडिविजुअल निकालने को बोला है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा अपने पास, 3 है तो 3 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 3 सीरीज के हिसाब से फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, एक्स बार होता है एन वन एक्स वन बार, एन टू एक्स टू बार और प्लस में एन थ्री एक्स थ्री बार, जो कि डिवाइड में रहेगा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, तो ये जो हमने कंबाइंड के लिए लिखा है ये एक्चुअली हमें एक्स बार दिया हुआ है कंबाइंड वाला, ये वाला चीज दे रखी है, बाकी सबकी वैल्यू है, इसकी है इसकी है इसकी है इसकी है इसकी है, एक निकालना है तो इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली निकाल सकते हैं, मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। मैं यहां पर लिखता हूं x बार की वैल्यू तो हो जाएगी 110 110 n1 x1 ये इनटू ये n1 और x1 500 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, प्लस में n2 और x2 को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आ जाएगा, n3 और x3 n3 5 है x3 नहीं है तो 5 x3 बार अपनी जगह पर रहने दो और डिवाइड में n1 n2 n3 5 + 5 + 5 15 लिख लो डायरेक्ट, यहां पर कितना बनेगा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 15 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये बनेगा 110 इंटू 15 और इक्वल में 500 और 625 को तो ऐड कर लो वो तो बन जाएगा 1125 और ये अपना चल रहा है 5x3 बार एज इट इज। अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन से आएगा अपना 1650 और इक्वल में चल रहा है 1125 और प्लस में 5x3 बार, इसको इधर लेके आए माइनस करें तो कितना बनता है 1650 में से 1125 जाएंगे तो बचेगा 525 जो कि इक्वल है 5x3 बार के, तो x3 बार फाइनली कितना आ गया, x3 बार आ गया 525 को 5 से डिवाइड दे दो, 5 से डिवाइड दोगे तो ये बनेगा 105 केजी हमारे पास मेन वेट आया, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स का 105 किलो कंबाइंड मीन है। तो आप एकदम शांति से इसको देख सकते हैं कि हमने सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, अपने को बस पता होना चाहिए कि ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है क्योंकि 15 स्टूडेंट्स थे, 5 अलग थे और रिमेनिंग 5 रह गए, तो ये तो जाहिर सी बात है कंबाइंड का है, 3 का अलग अलग है और कंबाइंड 15 का दे रखा है तो ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मतलब सिंपल फॉर्मूला क्वेश्चन होते हैं ये, क्या दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है, वो लगाना तो फॉर्मूला ही है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर है। देखिए आप लोग देखिए इस टॉपिक पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये समझने के हिसाब से कि एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास इज 65, पूरी क्लास का एवरेज रखा है 65, एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन दैट क्लास इज 60 एंड एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 75, मतलब इस बार सेक्शंस में डिवाइड करके नहीं किया, क्लास है जिसमें बॉयज बॉयज का अलग से एवरेज निकाल लिया वो 60 आ रहा है, गर्ल्स गर्ल्स का अलग से एवरेज निकाला 75 आ रहा है और पूरी की पूरी क्लास का एवरेज भी निकाला हुआ है 65 है, लेकिन ये नहीं बताया
कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं क्लास में और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है क्लास में। तो अपने को क्या निकालने को बोला है, पहली चीज निकालने को बोली है कि नंबर ऑफ गर्ल्स का और नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो निकाल दो। दूसरी चीज, क्लास में कितने परसेंट बॉयज हैं, जैसे मई क्लास में 40% बॉयज हैं, 60% गर्ल्स हैं, या फिर क्लास में 75% बॉयज हैं, 25% गर्ल्स हैं, तो कितने परसेंट बॉयज हैं, कितने परसेंट गर्ल्स हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो निकालना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर ऑफ बॉयज का पूछा है या नंबर ऑफ बॉयज पहले लिखे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स बाद में लिखी है, तो रेशियो उल्टा सीधा थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए पहले मैं डेटा यहां पर लिख देता हूं एक बार, क्या क्या डेटा है अपने पास। डेटा है कि हमारे पास पूरी की पूरी जो क्लास है, उस क्लास में जो एवरेज स्कोर आया है वो आया है 65, जो बॉयज का एवरेज आया है वो आया है 60, और जो गर्ल्स का एवरेज आया है वो आया है 75। ये हमने इतना डेटा यहां पर लिख दिया, ये सब एवरेज स्कोर्स हैं। अब बात चल रही है कि भाई नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो बताओ। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स तो अपने को पता ही नहीं है ना कितने हैं, तो रेशियो निकालेंगे कैसे। आप अज्यूम कर लो कि नंबर ऑफ बॉयज, भाई अपने पास क्लास है, ये तो कंबाइंड वाली बात हो गई, इसको तो अलग से लो आप, ये तो एक तरीके से एक्स बार की वैल्यू है हमारे पास में। ये हमारे पास बॉयज का अलग से एवरेज निकाला हुआ है तो ये एक्स वन बार है, ये हमारे पास गर्ल्स का अलग से एवरेज निकाला हुआ है तो ये एक्स टू बार हो गया। नंबर ऑफ बॉयज एन वन आप अज्यूम कर लो, नंबर ऑफ गर्ल्स आप एन टू अज्यूम कर लो एक बार के लिए, तो एन वन और एक्स वन बार का अलग से हिसाब किताब, एन टू और एक्स टू बार का अलग से हिसाब किताब, और जॉइंट है पूरी क्लास 65 के हिसाब से। तो फॉर्मूला एक बार अप्लाई करेंगे तो अपने आप रेशियो आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर लिखूं फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू एन वन एक्स वन बार प्लस में एन टू एक्स टू बार डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। एक्स बार हमें 65 दे रखा है, ये 65 मैंने यहां लिख दिया, एन वन एक्स वन बार, एन वन की जगह तो एन वन ही रहेगा, एक्स वन बार की वैल्यू है 60 वो रख दो आप, प्लस में एन टू की जगह तो एन टू ही रहेगा, एक्स टू बार की वैल्यू आप 75 रख दो, और डिवाइड में एन वन प्लस एन टू। ये तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अभी तक, अभी इसको सॉल्व करते हैं। लाना क्या है पहले ये देखें अपन, लाना है नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब एन टू, नंबर ऑफ बॉयज मतलब एन वन, तो हमें एन टू रेशियो एन वन लेके आना है, या कह लो कि हमें एन टू डिवाइडेड बाई एन वन लेके आना है, क्योंकि डिवाइड का मतलब रेशियो ही है एक तरीके से। तो ये निकाल लो या ये निकाल लो, जो भी निकाल लो, तो यहां पर निकालने का तरीका क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आराम से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माइनर सी कैलकुलेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूं, पहले ये इधर मल्टीप्लीकेशन में लेके आओ आप, 65 के साथ में n1 प्लस n2 हो जाएगा, और उधर 60 n1 अलग से है और 75 टाइम्स n2 अलग से चल रहा है, तो ये हो गया 65 n1, 65 ही n2, और 60 हो गया n1, 75 n2। तो देखो n1 तो आप इधर लेके आ जाओ और n2 को आप इधर रख लो, इधर ले जाओ इसको, तो 65 n1 में से 60 n1 माइनस होएंगे तो इधर तो बचेगा 5 n1, और जब 75 n2 में से उधर जाकर के 65 माइनस होएंगे तो ये बचेगा 10 n2। हमें n2 by n1 चाहिए ना कि n1 by n2, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, यहां से उल्टा सीधा नहीं लिखा हुआ है, तो n2 by n1 चाहिए तो n1 उधर डिवाइड में ले जाओ, n2 के नीचे n1 आ जाएगा, और ये 10 को इधर ले आओ क्रॉस में तो 5 के नीचे 10 आ जाएगा। तो फाइनल क्या बना, n2 अपॉन n1 आया, n2 अपॉन n1 आया 5 बाई 10, मतलब 5 की टेबल से अगर काटे तो 1/2, तो n2 रेशो n1 आ गया 1:2। ये हमारा फाइनल आंसर है फर्स्ट वाले पार्ट का, तो फर्स्ट आ गया, तो सेकंड और थर्ड तो एक एक दो दो लाइन के हैं केवल। तो सेकंड क्या बोल रहा है इसने, परसेंटेज बॉयज कितने हैं क्लास में, तो परसेंटेज बॉयज मतलब बॉयज का हिस्सा बताना है क्लास में कितना है, तो बॉयज मतलब एनुअल वाले हिस्से की बात चल रही है, तो परसेंटेज बॉयज निकालने के लिए बॉयज का कितना हिस्सा है, टू, रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसे ही करते थे अपन पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस में कि टू बॉयज का है एन वन है टू, और नीचे टोटल वन प्लस टू, और इनटू में परसेंटेज निकालना है तो 100, तो ये हो गया 2/3 × 100,
66.66% आ रहे हैं बॉयज, और जब परसेंटेज गर्ल्स की बात होंगी तो आप चाहो तो 100 में से ये माइनस कर दो तो 33.33 या 34 आ जाएंगे, या फिर आप चाहो तो यहीं से निकाल लो, जैसे परसेंटेज बॉयज निकाला है तो गर्ल्स है n2 के हिसाब से 1 आएगा गर्ल्स का हिस्सा, और नीचे वही 1+2 × 100, तो ये हो जाएगा 1/3 × 100 के हिसाब से 33.33% आएंगी गर्ल्स। तो मेन है ये रेशो आना, उसके बाद ये सब तो बहुत आसान है। तो किया क्या है, ओवरऑल हमने डेटा लिखा, n1 और n2 नहीं दे रखा था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले वाले में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दूसरे वाले में नहीं दे रखे थे, तो n1 n2 अज्यूम करके रेशियो इजीली निकल गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। उसके बाद परसेंटेज बॉयज परसेंटेज गर्ल्स निकाल दिया। तो हमने 3 एकदम अलग तरह के क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस किए हैं कंबाइंड मीन के, बाकी ये क्वेश्चंस भी लगभग इसी तरह के होते हैं। आप अब नए क्वेश्चंस को भी देखोगे तो अब उसको सॉल्व करने की अप्रोच आपको समझ में आ जाएगी। फॉर्मूला तो फिक्स है, एक ही फॉर्मूला लगता है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो मीन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज, कि भाई एक स्कोर गलती से आ गया, उसकी जगह सही स्कोर लगा करके जो गलत मीन निकला है उसको सही कैसे करें। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में, आगे के कई सारे चैप्टर्स में काम आएगा, वो है चेंज इन ओरिजिन चेंज इन स्केल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पूरे वीडियो की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। थैंक यू।